तो जैसे कि आपने पॉइंट थ्री के अंदर हमने हमारे मेथड वैलिडेशन के तीन पॉइंट्स के बारे में बात करी थी जो कि थे स्पेसिफिसिटी, लीनियरिटी और रेंज। अब हम पार्ट फोर के अंदर ये बात करेंगे, मतलब अगले पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे जो कि है एक्यूरेसी और प्रिसीशन, जो कि मेथड वैलिडेशन के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और साथ ही साथ हमारी किसी भी मेथड को बहुत ही ज्यादा अफेक्ट करते हैं। तो चलिए इस बात पार्ट में हम बात करेंगे एक्यूरेसी और प्रिसीशन के बारे में। तो अब हम बात करते हैं हमारे अगले पैरामीटर की और उसका नाम है प्रिसीशन, या एक और प्रिसीशन को एक और कहते हैं रिपीटेबिलिटी। प्रिसीशन और रिपीटेबिलिटी के ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाया है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रिसीशन एंड एक्यूरेसी, उस वीडियो का लिंक मैं साइड में दे देता हूं, तो उससे आप ये समझ सकते हैं कि प्रिसीशन और एक्यूरेसी क्या होती है। बट यहां पर मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं कि प्रिसीशन और रिपीटेबिलिटी का मतलब क्या होता है। प्रिसीशन का मतलब ये होता है कि किसी चीज को बार बार रिपीट करके देखना कि वो मेथड कितनी ज्यादा सिस्टमेटिक है, मतलब हमने जो मेथड डेवलप करी है यहाँ पर उस मेथड को हम बार बार रिपीट करके देखेंगे और ये देखेंगे कि बार बार रिपीट करने पे उसके रिजल्ट में किसी टाइप का कोई डिफरेंस तो नहीं आ रहा है या उसमें कोई डेविएशन तो नहीं हो रहा है, मतलब उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन और आरएसडी में कोई चेंजेस तो नहीं आ रहे हैं। अब हम बात करेंगे प्रिसीशन की, तो बिल्कुल सिंपल मेथड है कि किसी भी जब हम कोई मेथड डेवलप करते हैं तो उसकी प्रिसीशन को डिटरमाइन कैसे करते हैं। तो प्रिसीशन का मतलब होता है किसी भी मेथड को बार बार रिपीट करके देखना और ये देखना कि उसके रिजल्ट्स में कोई डिफरेंस तो नहीं आ रहा है। तो प्रिसीशन के अंदर हम बेसिकली तीन टाइप से प्रिसीशन डिटरमाइन करते हैं यहाँ पर। एक होता है इंट्राडे प्रिसीशन, जिसका मैंने बना रखा है इंटरडे प्रिसीशन। इंटरडे प्रिसीशन का मतलब होता है एक एक दिन छोड़कर, एक दिन, दो दिन, तीन दिन, ऐसे छोड़ छोड़ के हमको रन लगाने पड़ते हैं इंटरडे, यह है इंटरडे। एक होता है इंट्राडे, इंट्राडे मतलब एक ही दिन के अंदर टाइम छोड़ के, मतलब एक घंटे, दो घंटे का गैप ले लेके रन लगाना। और एक होता है रिपीटेबिलिटी, मतलब एक ही मेथड को बार बार रिपीट करना और फिर उसकी मेथड को डिटरमाइन करना, रिजल्ट को डिटरमाइन करना। तो यहां पर जैसे मैंने जो आपको ग्राफ दिया है यह है इंटरडे प्रिसीशन। इंटरडे प्रिसीशन मतलब एक दिन छोड़कर। तो देखिए मैंने यहां पर तीन कंसंट्रेशन लिए, 140 माइक्रोग्राम पर एमएल का सोल्यूशन, 175 माइक्रोग्राम पर एमएल का सोल्यूशन और 210 माइक्रोग्राम पर एमएल का सोल्यूशन। अब इन तीनों सोल्यूशन को मैं तीन बार रन करूंगा बट दिन छोड़कर। पहले एक दिन एक रन किया, फिर दूसरे दिन रन किया, फिर तीसरे दिन रन किया। तीनों के तीन एरिया आए, देखिए यहां पर तीनों के एरिया आए हैं, ये एरिया है, मतलब एरिया अंडर कर्व है, और उनका मैंने निकाला मीन, इन तीनों का मैंने मीन निकाला है यहां पर, और फिर इन तीनों का ही मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला है और आरएसडी निकाला है। आरएसडी कैसे डिटरमाइन करते हैं उसके लिए मैंने पहले से एक मेथड बना रखा, पहले एक वीडियो बना रखा है जिसको देख के आप समझ सकते हैं कि आरएसडी को कैसे डिटरमाइन करना है। तो बिल्कुल सिंपल है इंटरडे प्रिसीशन, जहां पर मैंने एक एक दिन छोड़ के ये चेक करा कि मेरा स्टैंडर्ड आरएसडी में कोई डिफरेंस तो नहीं आ रहा है। यहां पर मैंने, जैसे कि आप यहां पर देख रहे हैं कि यहां पर मैंने एरिया लिखा है, चाहे तो आप यहां पर ड्रग की कंसंट्रेशन को डिटरमाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड कर्व मेथड। तो स्टैंडर्ड कर्व मेथड से आप चाहे तो यहां ड्रग की कंसंट्रेशन लिख सकते हैं कि आपने 140 माइक्रोग्राम पर एमएल का सॉल्यूशन रन किया तो उसकी कंसंट्रेशन क्या डिटरमाइन हुई, तो उसकी कंसंट्रेशन भी आप लिख सकते हैं। तो कई जगह आपको इसकी एरिया भी लिखे हुए दिखाई देंगे और कहीं पर आपको कंसंट्रेशन भी लिखी हुई दिखाई देगी। तो यह था इंटरडे, जहां पर हमने एक दिन छोड़कर, दिन छोड़कर करा। अब एक कर सकते हैं आप, इसके बाद होता है इंट्राडे, यानी इंटरडे और फिर इंट्राडे। इंट्राडे के अंदर हमको एक ही दिन के अंदर ये रन लगाने होंगे, मतलब 140 का तीन रन जो हमने लगाए हैं वो एक ही दिन के अंदर लगाने हैं, बट टाइम इंटरवल पे, मतलब हो सकता है तो आप दो घंटे का गैप ले ले, चार घंटे का गैप ले ले और एक रन लगाया, फिर उसके चार घंटे बाद एक रन दूसरा रन लगाया और उसके अगले चार घंटे बाद आपने तीसरा रन लगाया, फिर सेम आपने मीन डिटरमाइन किया, स्टैंडर्ड डेविएशन को डिटरमाइन किया और आरएसडी को डिटरमाइन किया। तो ये था इंटरडे, जिसके अंदर हमने दिन गैप एक एक दिन छोड़ के करा, और इंट्राडे के अंदर हमको एक ही दिन के अंदर रन लगाने हैं बट कुछ टाइम इंटरवल्स पे। तो अब हम बात करते हैं रिपीटेबिलिटी के बारे में कि प्रिसीशन के अंदर हम रिपीटेबिलिटी को कैसे चेक करते हैं। तो अब हम बात करेंगे हमारे प्रिसीशन के बारे में, अभी बात चल रही है। तो प्रिसीशन की हमने दो टेक्निक के बारे में मैंने आपको समझा दिया है, इंटरडे प्रिसीशन, इंट्राडे प्रिसीशन और अब है रिपीटेबिलिटी। बिल्कुल सिंपल है, आपको एक सॉल्यूशन बना लेना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर सॉल्यूशन बनाया है 175 माइक्रोग्राम पर एमएल का, जो अभी कंटिन्यू चल रहा है। 175 माइक्रोग्राम पर एमएल का सॉल्यूशन बना के उसको बार बार रिपीट करना है, मतलब मैंने उसके एक ही सॉल्यूशन के यहाँ पर सात इंजेक्शन लगाने हैं। तो जब आप सात इंजेक्शन लगाओगे तो सात इंजेक्शन के साथ एरिया आएंगे, तो इन सातों एरियों को आपको लिख देना है। उसके बाद इन सातों एरियों, इस जो हमारे पास एरिया आया तो इस एरिया को हमको पुट करना है स्टैंडर्ड कर्व इक्वेशन के अंदर। स्टैंडर्ड कर्व इक्वेशन के अंदर हम जब ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आएगी कंसंट्रेशन, तो हम कंसंट्रेशन डिटरमाइन कर लेंगे। तो सात एरिया तो सात कंसंट्रेशन भी डिटरमाइन हो जाएगी, ठीक है।
एक ही सॉल्यूशन बनाना है, सात बार एक ही सॉल्यूशन के साथ इंजेक्शन लगाने हैं, एचपीएलसी के अंदर सात एरिया आएंगे, सातों एरियो जो एरिया आएंगे उनकी हमको स्टैंडर्ड कर्व इक्वेशन की हेल्प से सात कंसंट्रेशन डिटरमाइन कर लेनी है। तो जितने एरिया आएंगे उतने कंसंट्रेशन डिटरमाइन हो जाएगी, उसके बाद इन सात जो हमारी कंसंट्रेशन डिटरमाइन हुई इसी का हमको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है और आरएसडी भी डिटरमाइन करनी है इन सातों की, मतलब इन सातों के थ्रू इन सातों की हमको स्टैंडर्ड डेविएशन और आरएसडी डिटरमाइन करनी है। तो सीधी सी बात है, आरएसडी जो होनी चाहिए वो 2% से कम होनी चाहिए। अगर हमारी आरएसडी 2% से कम आती है तो हमारा ये जो रिपीटेबिलिटी वाला टेस्ट है जो कि प्रिसिशन के अंदर आता है ये पास हो जाएगा। तो मैंने आपको यहाँ पर रिपीटेबिलिटी, जिन लोगों को रिपीटेबिलिटी क्या होती है और कैसे टेस्ट की जाती है, प्रिसिशन क्या होता है, तो मैंने आपको समझा दिया है। फिर भी अगर आपको प्रिसिशन बिल्कुल सिंपल और स्मूथली समझना है और इसके बारे में थोड़ा डीपली नॉलेज लेना है तो ये वीडियो अभी देखते रहिए और आखिरी तक देखिए, तो आपको सारे फंडे प्रिसिशन के क्लियर हो जाएंगे, जिससे आपको आपकी मेथड डेवलप करने में काफी हेल्प होगी, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये किसी भी मेथड डेवलपमेंट के लिए। तो बने रहिए मेरे साथ। तो बेसिकली प्रिसिशन में हम बेसिकली एक ही मेथड को, जो मेथड हमने डेवलप करी है उसी को हम रिपीट करके देखते हैं और ये देखते हैं कि मेथड के रिजल्ट में कोई चेंज तो नहीं आ रहा है, क्योंकि देखिए आपने जो मेथड बनाई है बेसिकली वो बार बार रिपीट होगी क्योंकि आप उसको बार बार यूज करेंगे, तो उसके रिजल्ट्स में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। कहने का मतलब है कि प्रिसिशन को दो टाइप से किया जाता है, इंटरडे प्रिसिशन और इंट्राडे प्रिसिशन। इंट्राडे प्रिसिशन के अंदर हम एक ही दिन में उस मेथड को बार बार रिपीट करके देखते हैं, मतलब एक आधे आधे एक घंटे के गैप ले लेके, तो इसे कहते हैं इंट्राडे प्रिसिशन, ठीक है। और एक होता है इंटरडे प्रिसिशन। इंटरडे प्रिसिशन के अंदर हम एक दिन छोड़कर, चार दिन छोड़कर उसी मेथड को रिपीट करते हैं सेम कंडीशन में और सेम सॉल्यूशन के साथ में, तो हम ये देखते हैं कि रिजल्ट में कोई चेंजेस तो नहीं आ रहा है और उसके आरएसडी और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो 2% से नीचे आना चाहिए। मैं फिर से बोलूंगा, उसका जो आरएसडी है और स्टैंडर्ड डेविएशन, एसडी और आरएसडी दोनों जो है वो 2% से नीचे होना चाहिए और हम बार बार मेथड को रिपीट करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम इंटरडे और इंट्राडे में जाने से पहले एक बार हम एक उस मेथड को पांच बार एक सॉल्यूशन बना लेंगे। हम मान लीजिए हमने 10 माइक्रोग्राम पर एमएल का एक सॉल्यूशन बना लिया है और उस 10 माइक्रोग्राम पर एमएल को उस मेथड की कंडीशन में हम उसको पांच बार रन करेंगे। एक ही सॉल्यूशन को, एक ही कंसंट्रेशन के एक सॉल्यूशन को हम पांच बार रन करेंगे एचपीएलसी के अंदर, या कह सकते हैं हम उसके पांच इंजेक्शन लगाएंगे। देखिए जब हम पांच इंजेक्शन लगा लेंगे तो उसके पांच एरिया आएंगे, ठीक है। पांच इंजेक्शन लगाने के बाद एक ही सैंपल है, एक ही सॉल्यूशन है, एक ही ड्रग का और एक ही मेथड की कंडीशन में पांच बार एक ही सॉल्यूशन के पांच इंजेक्शन लगाए, हमारे पास पांच एरिया है और उस एरिया की मदद से हम ड्रग की कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करेंगे। एक चीज और, ड्रग हर इंजेक्शन के हिसाब से, मतलब यहाँ 10 माइक्रोग्राम पर एमएल था तो यहां पर कैसे आया वो हम एरिया से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो एरिया से कैलकुलेट करने के बाद हम यहां पर ड्रग की कंसंट्रेशन को डिटरमाइन कर लेंगे, क्लियर हो गया। अब ड्रग की कंसंट्रेशन हमने डिटरमाइन कर ली है हर इंजेक्शन के हिसाब से, तो अब फिर से हम यहां पर आते हैं, तो हम यहां पर ड्रग की कंसंट्रेशन को डिटरमाइन कर लेंगे, ठीक है, और उस कंसंट्रेशन का इन सब का हम मीन भी निकाल लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास यहां पर मीन आ गया है, ड्रग की कंसंट्रेशन हमने डिटरमाइन कर ली, हर इंजेक्शन के हिसाब से हमको ड्रग की कंसंट्रेशन पता चल जाएगी और उसका मीन भी हम डिटरमाइन कर लेंगे। एक चीज और, अब हम क्या करेंगे कि यहां पर ये जो एरिया आया तो इन एरिया का जो स्टैंडर्ड डेविएशन हुआ वो भी हम डिटरमाइन करेंगे और इन पांचों एरियों का जो आरएसडी आया वो भी हम यहां डिटरमाइन करेंगे, मतलब इन सब का एक स्टैंडर्ड डेविएशन भी आएगा और एक आरएसडी भी आएगी, और ये दोनों जो होनी चाहिए ये लेस देन 2% होनी चाहिए, मतलब लेस देन 2% ग्रेटर देन 2% नहीं, लेस देन 2%, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन और आरएसडी जो होती है वो 2% से कम होनी चाहिए। अगर 2% से कम होती है तो यहां पर आपकी जो मेथड है वो इस पॉइंट में पास हो जाएगी। अगर ये 2% से ज्यादा निकल जाती है, स्टैंडर्ड डेविएशन और आरएसडी 2% से ज्यादा हो जाती है, तो यहां पर आपकी ड्रग जो है वो फेल हो जाएगी, ठीक है। तो फिर से मैं एक बार बता देता हूं, इस मेथड को हम बार बार रिपीट करके देखेंगे, इसलिए हम एक ही ड्रग का एक सॉल्यूशन बना लेंगे 10 माइक्रोग्राम पर एमएल का, उसके पांच इंजेक्शन लगाएंगे, पांच एरिया आएंगे, पांच एरिया से हम पांच कंसंट्रेशन डिटरमाइन कर लेंगे, उसका आप कंसंट्रेशन का, इन पांचों कंसंट्रेशन का यहां मीन निकालेंगे और इन्हीं पांच एरिया का स्टैंडर्ड डेविएशन और आरएसडी में हम डिटरमाइन कर लेंगे, ठीक है। उसके कंसंट्रेशन कैसे निकाली जाती है, उसके लिए मैंने पहले से एचपीएलसी कैलकुलेशन का एक वीडियो बनाया हुआ है, उसको देख के आप इजिली कंसंट्रेशन डिटरमाइन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इंटरडे और इंट्राडे प्रिसिशन कैसे डिटरमाइन किया जाता है, तो बने रहिए मेरे साथ। अब हम बात करते हैं हमारे प्रिसिशन के पहले पैरामीटर में, मैंने आपसे बात कर ली थी जो कि है रिपीटेबिलिटी, जिसका प्रोसीजर मैंने आपको समझाया।
अब मैं दूसरे पैरामीटर पे, हम प्रिसीशन के ही दूसरे पैरामीटर पे बात करते हैं, वो है इंट्राडे प्रिसीशन। देखिए इंट्राडे प्रिसीशन का मतलब ये होगा कि हम अपनी जो मेथड है हमारी, उसी मेथड को हम एक एक ही दिन के अंदर अलग अलग टाइम पे रिपीट करेंगे। जैसे कि मैंने मान लीजिए कि मेथड एक ही है और हम एक सॉल्यूशन बना लेते हैं और उसी सॉल्यूशन के हम इंजेक्शन लगाएंगे बट अलग अलग टाइम इंटरवल पे, मगर एक ही दिन के अंदर। मैं आपको समझाता हूं, देखिए मैंने यहां पर तीन सॉल्यूशन बनाए हैं, एक है 10 माइक्रोग्राम पर एमएल का, एक 15 माइक्रोग्राम पर एमएल का और एक है 20 माइक्रोग्राम पर एमएल का। फिर से बता रहा हूं, 10, 20 और 15 माइक्रोग्राम पर एमएल के मैंने तीन सॉल्यूशन बना लिए। अब इन तीनों सॉल्यूशन के मैं तीन रन लगाऊंगा, मतलब सभी के तीन तीन इंजेक्शन लगाऊंगा, या रन कह सकते हैं एचपीएलसी के टर्म में, रन लगाऊंगा बट अलग अलग एक ही अलग अलग टाइम इंटरवल पे। मतलब अलग अलग टाइम इंटरवल से मेरा कहने का मतलब है कि एक ही दिन के अंदर लगाना है बट टाइम अलग अलग होगा। कहने का मतलब है कि इसका ये थे, पहले मान लीजिए मैं एक इंजेक्शन लगा लेता हूं स्टार्टिंग में सुबह 10 बजे, ठीक है, 10 बजे मैंने इंजेक्शन लगाया सुबह, 10 AM पे मैं एक इंजेक्शन लगा देता हूं, तो इसका एक एरिया आएगा, एक इंजेक्शन इसका लगा दूंगा, एक इंजेक्शन इसका लगा दूंगा, ठीक है, इसके मेरे पास तीन एरिया आ जाएंगे, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा कि, या आप कह सकते हैं कि या तो आप एरिया ना लिख के यहां पर आप कंसंट्रेशन लिखें, ठीक है, तो यहां मैंने जो आपको एरिया बताया था यहां पर मैं कंसंट्रेशन लिख देता हूं, मतलब उन एरिया से मैं कंसंट्रेशन को कैलकुलेट कर लूंगा, तो मेरे पास इनकी मतलब कह सकता हूं कि इनकी कंसंट्रेशन आ जाएगी, ठीक है, एरिया जो आएगा उसके उसको कैलकुलेट करके मैं इनकी कंसंट्रेशन को कैलकुलेट कर लूंगा। तो यहां पर उनकी कंसंट्रेशन लिख देंगे, 10 की कंसंट्रेशन क्या आएगी, 15 की और 20 की। तो मैंने सुबह 10 बजे एक लगाया इंजेक्शन, अब मैं 4 घंटे का गैप लेके, ठीक है, 4 घंटे मतलब ये दोपहर की 2 बज गई है, ठीक है, तो दोपहर की 2 बजे मैं एक इंजेक्शन और लगाऊंगा, इन तीनों के एरिया आएंगे और तीनों के एरिया से मैं कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करूंगा, ठीक है, तो मेरे पास फिर 3 कंसंट्रेशन आ जाएगी, ठीक है, ये 3 कंसंट्रेशन और आ गई, क्लियर हो गया। तो अब हुआ क्या कि मैंने पहला इंजेक्शन 10 बजे लगाया था, दूसरा इंजेक्शन मैंने 2 बजे लगाया, मतलब 4 घंटे का गैप लिया, अगला इंजेक्शन मैं शाम की 6 बजे लगा देता हूं, फिर 4 घंटे का गैप ले लेता हूं, ठीक है, फिर मेरे पास इनकी कंसंट्रेशन एरिया आएगा और एरिया से मैं इन कंसंट्रेशन को कैलकुलेट कर लूंगा, क्लियर हो गया। आप चाहे तो तीन, यहां मैं 3 इंजेक्शन लगा रहा हूं, आप चाहे तो अगर आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है तो एक दिन में आप 5 इंजेक्शन भी लगा सकते हैं, उस हिसाब से आप टाइम इंटरवल को कैलकुलेट कर ले। मैंने जैसे यहां 4 घंटे का टाइम पीरियड लिया है, 5 इंजेक्शन लगाना है तो आप 2-2 घंटे का टाइम इंटरवल ले लीजिए, ठीक है, तो एरिया आएगा और एरिया से हम कैलकुलेट करेंगे इसकी कंसंट्रेशन। तो यहां पर आपको कंसंट्रेशन लिखनी है कि आपने क्या कंसंट्रेशन कैलकुलेट करी। मैं एक बार और बता देता हूं कि कंसंट्रेशन को कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो पहले से बना रखा है, तो आप वो देख के वीडियो देख के पता कर सकते हैं कि कंसंट्रेशन कैसे कैलकुलेट की जाती है, ठीक है। तो यहां पर आपके पास इन तीनों की कंसंट्रेशन आ जाएगी, ठीक है, 10 बजे क्या जो इंजेक्शन लगा था उसकी कंसंट्रेशन 10 माइक्रोग्राम पर एमएल के हिसाब से, ठीक है, और 15 माइक्रोग्राम के एमएल के हिसाब से और 20 माइक्रोग्राम पर एमएल के हिसाब से इनकी कंसंट्रेशन आपके पास आ जाएगी, ठीक है। अब आपको इन तीनों का मीन निकाल लेना है, तो आप यहां पर इन तीनों का मीन निकाल लीजिए, ठीक है, तो यहां पर हम तीनों का मीन निकाल लेंगे, इन तीनों की कंसंट्रेशन का मीन, इन तीनों का मीन और इन तीनों का मीन, साथ ही साथ ये जो 3 कंसंट्रेशन आई है इनका स्टैंडर्ड डेविएशन भी और RSD भी, ये भी हम यहां पर कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो यहां पर हम उसका स्टैंडर्ड डेविएशन भी कैलकुलेट करेंगे और RSD भी कैलकुलेट करेंगे, इन तीनों का, 1, 2, 3, 1, 2, 3 और 1, 2, 3, इन तीनों का स्टैंडर्ड डेविएशन भी और RSD, और दोनों जो है वो दोनों स्टैंडर्ड डेविएशन और RSD दोनों 2% से कम होनी चाहिए, ठीक है। अगर वो 2% से कम है तो आपकी जो मेथड है वो ये जो हमारा प्रिसीशन वाला पॉइंट है ये पास कर जाएगी इंट्राडे केस में। इंट्राडे वाला भी हम निकाल रहे हैं, मतलब एक ही दिन के अंदर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इंट्राडे, अब हम बात करते हैं हमारा इंटरडे। इंटरडे का मतलब ये होगा, देखिए इंटरडे प्रिसीशन का मतलब है कि अब हमको एक दिन दो दिन छोड़ के करना है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है। यहां पर मैं इसको हटा देता हूं, यहां जो मैंने एक दिन के अंदर लिया था, आपको यहां पर क्या करना है कि यही सॉल्यूशन एक बार आपको बना के रखना है 10, 15 और 20 के, इन सॉल्यूशन के आपको वैसे ही सेम प्रोसीजर करना है, बट यहां पर मैंने आपको टाइम का बताया था 10 बजे 2 बजे और 6 बजे, अब आपको करना है यहां पर डे वन डे टू डे थ्री। मतलब एक बार आपने सॉल्यूशन बना लिया, तो आपने एक पहले दिन लगाया, उस एरिया से आपने कंसंट्रेशन को कैलकुलेट कर लिया, फिर यही इन्हीं डाइल्यूशन से आपने
फिर दूसरे दिन भी इंजेक्शन लगाया, जो एरिया है उससे आपने कंसंट्रेशन को कैलकुलेट कर लिया, और डे थ्री तीसरे दिन भी जो आपके पास जो भी सोल्यूशन डे थ्री के अंदर भी आपने इन्हीं सोल्यूशन से तीन इंजेक्शन और लगाए और उनकी भी कंसंट्रेशन को आपने कैलकुलेट कर लिया, फिर सेम आपको मीन निकालना है और स्टैंडर्ड डेविएशन और आरएसडी कैलकुलेट करना है, और ये भी 2% से कम होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल 2% से कम होगी तो आपका जो ये पैरामीटर है इंटर डे प्रिसीशन ये भी पास हो जाएगा। अगर 2% से ज्यादा आ रहा है आरएसडी और स्टैंडर्ड डेविएशन, इसका मतलब है कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है मेथड के अंदर और यहां पर आपकी मेथड फेल हो जाएगी। तो पैरामीटर यही है कि आपकी जो स्टैंडर्ड डेविएशन है और जो आरएसडी है वो दोनों ही 2% से कम होनी चाहिए। तो ये जो हमारा प्रिसीशन वाला पॉइंट है यहां पर कंप्लीट हो गया है। अब हम अगले पॉइंट की तरफ बात करते हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि अगर आप भी इन इंस्ट्रूमेंट पर ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम इन अवर इंस्टीट्यूट। इंस्टीट्यूट का एड्रेस और सारी इंफॉर्मेशन, चाहे वो ईमेल आईडी हो या चाहे उसका मोबाइल नंबर हो हमारा, वो सभी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप हमसे डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और अगर आपकी कोई क्यूरी है तो वो भी आप हमको बता सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स वर्क से जुड़े हुए हैं, कोई पीएचडी वर्क से जुड़े हुए हैं, या आप कोई ऐसे कोर्स से जुड़े हुए हैं जहां पर आपको इन इंस्ट्रूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, या आपके पास कुछ ऐसे सैंपल हैं जो इस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट्स पे ही रन हो सकते हैं बट वो आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो हमारा इंस्टीट्यूट ऐसी कंसल्टेंसी सर्विस भी प्रोवाइड कराता है और उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी हमने हमारे लिंक बॉक्स के अंदर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको प्रोवाइड कराई है। तो बने रहिए हमारे साथ और हमारा वीडियो देखते रहिए, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। थैंक यू।